मोतीलाल वोरा जी, भूपेश बघेल जी, ताम्रध्वज साहू जी, टीएस सिंहदेव जी, रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, अनिला भेड़िया जी, गुरु रुद्र कुमार जी, शिव ढेरिया जी, छाया वर्मा जी, स्टेज पे हमारे सारे नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। रात का समय है, आप दूर दूर से मेरी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये नारा अब चल गया है। अब ये मतलब जहां भी जाओ बस चौकीदार बोलो, जवाब मिलता है। देखो चौकीदार। तो जहां भी हिंदुस्तान में, केरल में, छत्तीसगढ़ में, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, जहां भी आप जाओ, चौकीदार शब्द बोलो, जवाब मिलता है चोर है। और पहले नारा था अच्छे दिन आएंगे। 5 साल में हिंदुस्तान ने चौकीदार की सच्चाई देख ली। हर मीटिंग में पहले कहते थे 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालूंगा, 56 इंच की छाती है, प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ, 15 लाख बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, किसानों को सही दाम, कर्जा माफ, जो भी आप सुनना चाहते हो मैं कह दूंगा, मगर पहले प्रधानमंत्री बना दो। अब दूसरी तरफ देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, हमने आपसे मन की बात नहीं की। मैंने भाषण में, बघेल जी ने, सिंहदेव जी ने, साहू जी ने भाषण में यह नहीं कहा कि मेरी मन की बात सुनो। हमने काम शुरू किया, छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक मैनिफेस्टो बनाया। हम आपके पास आए और हमने आपसे पूछा, भैया देखिए आपके मन में क्या है, दर्द है तो क्यों है, क्या चाहते हो आप, आपकी सरकार बनेगी, आप हमें बताओ, हमें आपके लिए क्या करना है। लाखों लोगों से हमने बातचीत की, छोटे दुकानदारों से, किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से, माताओं बहनों से, छत्तीसगढ़ के सब लोगों से हमने सवाल पूछा, आप अपनी सरकार से चाहते क्या हो। और छत्तीसगढ़ ने हमें 2-3 जवाब दिए। छत्तीसगढ़ के किसानों ने कहा, देखिए आप हमारा कर्जा माफ कर दीजिए, धान के लिए 2500 रुपए। अच्छा, वहां पे टाटा की जमीन है, बहुत साल पहले उन्होंने ली थी, बस्तर के आदिवासियों की जमीन है, उन्होंने वहां पे इंडस्ट्री नहीं बनाई, वो जमीन आप आदिवासियों को वापस दे दीजिए। आपने बताया हमें, हमने आपसे पूछा, आपने बताया, और फिर हमारे भाषणों में हमने बोला सबने, सरकार आएगी तो धान के लिए सही रेट मिलेगा, कर्जा माफ होगा, आपकी जमीन आपको वापस मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, पैसा कहां से आएगा, हर स्टेट में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पैसा कहां से आएगा, कैसे हो सकता है किसान का कर्जा माफ। और हमने कहा कि 10 दिन में होगा, 10 दिन में होगा।
दो दिन में हो गया। अब देखिए, एक तरफ झूठ के बाद झूठ, झूठ के बाद झूठ, झूठ के बाद झूठ, दूसरी तरफ ठीक है हम उतने बड़े सपने नहीं देते आपको, 15 लाख नहीं बोलेंगे, मगर जो आप हमारे स्टेज से सुनोगे, चाहे राहुल गांधी हो, बघेल जी हो, सिंहदेव जी हो, साहू जी हो, हमारे कोई भी नेता हो, जो आप यहां से सुनेंगे वो हमारी गारंटी है। और जो हम नहीं कर पाएंगे हम आपको बता देंगे। मैं आपको स्टेज से अभी बता देता हूं कि अगर आप चाहें भी और आप मेरे ऊपर जितना भी दबाव डालना चाहो डालो, मैं 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में नहीं डाल सकता। मैं आपको सीधा कह दूंगा, अब आपको अच्छा लगे ना लगे मैं नहीं जानता, मगर मैं आपको दिल की बात सीधा कह दूंगा, 15 लाख रुपए नहीं हो सकता। 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक को बुलाया, इकोनॉमिस्ट को बुलाया, चाय पिलाई, उनसे मैंने कहा देखिए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख हर बैंक अकाउंट में डालने की बात की है, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने की बात की है। हिंदुस्तान के गरीब लोगों ने एक सपना देखा, नरेंद्र मोदी ने सपना दिखाया कि हां हिंदुस्तान की सरकार गरीबों के बैंक अकाउंट पर पैसा डाल सकती है, सपना देखा। मैंने कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक से कहा, इकोनॉमिस्ट से कहा, देखो मैं वो 15 लाख तो नहीं दे सकते हम, मगर मैं आपसे एक नंबर चाहता हूं, झूठ मत बोलिए मुझसे, थियरी नहीं चाहिए, किताब नहीं चाहिए, नंबर चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए? मुझे वो नंबर चाहिए जितने रुपए मैं हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाल सकता हूं। अच्छा, कितने लोगों के बैंक अकाउंट में डालना चाहते हैं पैसा? मैं हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूं। नहीं, आप सुनिए, कहते हैं हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोग, मतलब 25 करोड़ लोग। मैंने कहा हां, मतलब 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में आप पैसा डालना चाहते हो, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने उनसे कहा आपने अनिल अंबानी का नाम सुना है? उसके बैंक अकाउंट में 45,000 करोड़ रुपए जा सकता है, मेहुल चौकसी के बैंक अकाउंट में 35,000 करोड़ रुपए जा सकता है, 15 लोगों का 5,50,000 करोड़ रुपया माफ हो सकता है, तो फिर हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा क्यों नहीं जा सकता? मैंने उनसे कहा आप मुझे नंबर दो, 4 महीने 5 महीने आपके पास, दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से पूछो, मनमोहन सिंह जी से जाके पूछो, जिससे पूछना है पूछो, मगर 4 महीने में मुझे नंबर दो। 4 महीने बाद आते हैं, चिदंबरम जी ने सफेद कागज पे नंबर लिखा 72,000। मैंने कहा ये क्या है, 72,000 6 महीने के, 72,000 10 साल के, 15 साल के, और कितने लोगों के बैंक अकाउंट में? कहते हैं 72,000 रुपए साल के, 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में, 25 करोड़ लोगों को न्याय योजना का फायदा होने वाला है। और यहां जो हमारे भाई बैठे हैं, पुरुष बैठे हैं, मैं आपको, मुझसे गुस्सा मत होइए होइए, मगर पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जा रहा है। 72,000 गरीबी पे वार, यह है कांग्रेस पार्टी का गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक। हम गरीबी को अब हिंदुस्तान से मिटाने जा रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी 15 लोगों को पूरा का पूरा पैसा दे सकता है, तो हम नरेंद्र मोदी जी को बताएंगे
कि हम उनसे पैसा लेकर अनिल अंबानी जैसे चोरों से पैसा लेकर हिंदुस्तान की महिलाओं को देंगे। अब न्याय योजना से एक और फायदा होगा। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स, छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले नष्ट हो गए, बेरोजगारी हुई 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज क्यों हुई, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब में से पैसा निकाला, गरीबों के जेब में से पैसा निकाला, किसानों के जेब में से पैसा निकाला, जो आप खरीदते थे शर्ट पैंट जूते आपने खरीदना बंद किया। जैसे ही आपने खरीदना बंद किया वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया। जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया फैक्ट्रियों ने युवाओं से कहा तुम्हारी अब यहां जरूरत नहीं है, तुम अब बेरोजगार हो। और बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी। न्याय योजना हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट हर महीने पैसा डालेगी, साल के 72,000 रुपए। जैसे ही यह पैसा हिंदुस्तान के छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के जेब में जाएगा वैसे ही ये लोग माल खरीदना शुरू करेंगे, जूता शर्ट पैंट टूथपेस्ट साबुन खरीदना शुरू करेंगे। जैसे ही ये खरीदना शुरू करेंगे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां माल बनाना शुरू करेंगी। जैसे ही माल बनाना शुरू करेंगी फैक्ट्रियों में युवाओं को, आपके बेटों को बेटियों को रोजगार मिलना शुरू हो जाए। मतलब न्याय योजना सिर्फ गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने का तरीका है। जैसे ट्रैक्टर में ट्रक में पेट्रोल डाला जाता है फिर चाबी घुमाई जाती है, हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं डायरेक्ट, और जैसे वो पेट्रोल जाएगा हम चाबी घुमाएंगे झटके से पूरा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। लाखों युवाओं को छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान में रोजगार मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ की बात की, मैं यहां 2 करोड़ नहीं बोलूंगा, न्याय योजना से लाखों युवाओं को फायदा मिलेगा। मगर मैं आपको यहां बता देता हूं 22 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली हैं हिंदुस्तान में। जैसे मैंने आपको वायदा किया था कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा, मैं यहां से स्टेट से कह रहा हूं जैसे ही हमारी सरकार आएगी 1 साल के अंदर 22 लाख नौकरियां हम आपको दे देंगे। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, 10 लाख युवाओं को हम पंचायतों में रोजगार दिलवा देंगे। अब देखिए मोदी जी की एक और आदत है, राफेल हवाई जहाज, यूपीए सरकार ने कहा हम राफेल हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी उस हवाई जहाज को बनाएगी, टेक्नोलॉजी फ्रांस की होगी, HAL सरकारी कंपनी उसको बनाएगी, आस्ते आस्ते HAL हवाई जहाज बनाना सीखेगी और फिर हिंदुस्तान में लड़ाकू विमान बनाने की टेक्नोलॉजी और फैक्ट्री होगी। नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री, फ्रांस गए, पहला काम फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले, कहते भैया देखो 526 करोड़ का हवाई जहाज मत खरीदो, 1600 करोड़ रुपए में हिंदुस्तान खरीदेगा, आप 526 मत रेट रखो, आप 1600 रेट रखो, 126 हवाई जहाज छोड़ो 36 हवाई जहाज की बात करो और अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दो HAL से छीनो। और वही हुआ, अनिल अंबानी की जेब में चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए आपका पैसा डाला। अब मैं ये यहां क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो भी सरकारी कंपनियां हैं पूरे देश में, जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उन पर नरेंद्र मोदी आक्रमण करते हैं। उनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का पूरा पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाए, अनिल अंबानी जैसे चोरों के हाथ में चला जाए, और हम ये कभी होने नहीं देंगे।
और यहां जो वर्कर्स काम करते हैं उनका हम पे रिविजन करके दिखा देंगे जो नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया है। युवाओं को, छत्तीसगढ़ के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, मैनिफेस्टो बनाते हुए हमने आपसे, देश के युवाओं से सवाल पूछा, हमने आपसे पूछा आप चाहते क्या हो, क्या करा जा सकता है आपके लिए, और आपने हमें बताया देखिए जब भी हम छोटा बिजनेस खोलना चाहते हैं हमें सरकारी ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है, एक डिपार्टमेंट से नहीं अलग अलग डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, 15-20 डिपार्टमेंट में जाते हैं, 6-7 महीने लग जाते हैं, पूरा का पूरा समय जाया हो जाता है, टाइम जाया हो जाता है, बिजनेस खुलता ही नहीं है। इसके बारे में आप कुछ कीजिए, हमने किया, आपकी आवाज सुनी, मैनिफेस्टो में हमने लिख दिया हिंदुस्तान के किसी भी युवा को अगर छोटी कंपनी खोलनी है, मिडिल साइज कंपनी खोलनी है, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, 3 साल के लिए आप काम शुरू करो, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार दो, बैंक का पैसा हम आपको देंगे, अनिल अंबानी से छीन कर आपको देंगे, और 3 साल आप कोई परमिशन किसी से मत लो, 3 साल बाद जब आपका बिजनेस मजबूत हो जाएगा, 30-40 लोग आपके साथ काम करेंगे, तब आप सरकार के डिपार्टमेंट के पास आइए, कहिए भैया हमारे पास बिजनेस है, हम आपसे परमिशन चाहते हैं, और अगर आपका बिजनेस 3 साल में तैयार नहीं हुआ तो कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, फिर से कोशिश करो। आपकी सोच है, हमारी नहीं है, आपने हमें बताया, जैसे मैंने पहले बोला हम आपकी आवाज होना बनना चाहते हैं, हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहते, हम आपकी मन की बात किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, छोटे दुकानदारों से बात की, हजारों छोटे दुकानदारों से कांग्रेस पार्टी ने बात की, भैया बताओ क्या चाहते हो, गब्बर सिंह टैक्स को बदलो, हम GST चाहते हैं, हम गब्बर सिंह टैक्स नहीं चाहते हैं, ठीक है, 6 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी गब्बर सिंह टैक्स को GST में बदल देगी, एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, सरल टैक्स होगा, यही बात हमने किसानों से पूछी, छत्तीसगढ़ के किसानों से पूछा, भैया आपने हमें कहा था छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, आपने हमसे कहा कर्जा माफ करो, ठीक है हमने कर दिया, लोकसभा का चुनाव अब बताओ क्या करें, छत्तीसगढ़ के किसानों ने बताया, और ऐसी चीज सिर्फ किसान बोल सकते हैं, देखिए हम प्लानिंग करना चाहते हैं, हिंदुस्तान का एक बजट बनता है, क्यों नहीं हिंदुस्तान के दो बजट बने, दो बजट मतलब एक बजट नेशनल बजट बने और दूसरा बजट स्पेशल किसानों का बजट बने। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है, दो बजट बनेंगे, एक नेशनल बजट बनेगा, एक किसानों का बजट बनेगा, और हर किसान को साल के शुरुआत में हम बता देंगे आपकी MSP कितनी बढ़ेगी, आपको क्या रेट मिलेगा, कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा, अगर कर्जा माफ होगा तो कितना कर्जा माफ होगा, फूड प्रोसेसिंग के कारखाने कहां लगेंगे, फूड पार्क कहां लगेंगे, स्टोरेज फैसिलिटी कहां लगाई जाएगी, पूरा का पूरा हम साल के शुरुआत में आपको बता देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप अपनी प्लानिंग करो। दूसरी बात किसानों ने कही, सवाल पूछा, राहुल जी बताइए अनिल अंबानी जैसे चोर 45,000 करोड़ रुपए कर्जा ले जाते हैं और हम अखबार में पढ़ते हैं कि कभी वो अपने प्राइवेट हवाई जहाज में घूम रहा है, कभी वो लंदन जा रहा है, वो पैसा नहीं लौटाता, जेल नहीं जाता, हम 20,000 रुपए लेते हैं, छत्तीसगढ़ के किसान 20,000 रुपए लेते हैं, वापस नहीं लौटाते, हमें जेल में कर देते हैं, ये क्यों होता है, कांग्रेस पार्टी जवाब दे रही है ये नहीं होगा, कैसे नहीं होगा मैं बताता हूं, कानून बदला जाएगा 2019 में जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हिंदुस्तान के किसी भी किसान को, छत्तीसगढ़ के किसी भी किसान को कर्ज ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा,
तो ये मैं आपसे कहने आया था, हम आपकी आवाज हैं, जो आप हमें कहोगे हम आपके लिए करेंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे हम आपको बता देंगे। देखो भैया 15 लाख नहीं हो सकता है, देश का नुकसान हो जाएगा, 3,60,000 रुपए 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में 5 साल में दिया जा सकता है, हम वो कर देंगे, मगर 15 लाख का झूठ हम नहीं बोलेंगे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हम नहीं दे पाएंगे, मगर न्याय योजना से लाखों युवाओं को रोजगार दे देंगे, मगर 22 लाख जो रोजगार सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं उनको हम भर के दे देंगे। सच्चाई सुननी है अब यहां आइए, काम करवाना है अब यहां आइए, झूठ सुनना है जाइए मोदी जी के पास, सुनिए उनके भाषण और फिर कांग्रेस पार्टी को वोट दे दीजिए। हमारे जो वर्कर हैं छत्तीसगढ़ के, अब देखो मैं पूरे बाकी प्रदेशों में घुमा हूं, मैंने पिछली मीटिंग में बोला यहां भी बोलना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं बब्बर शेर हैं सब, और पिछले चुनाव में असेंबली इलेक्शन में आपने 70% अपना दम लगाया और 70% दम लगाया और आपने नतीजा देखा, कांग्रेस पार्टी की स्वीप हो गई। इस बार 80% दम लगाइए, 11 की 11 सीट चाहिए आपसे। आप सब आए, दिल से आपका धन्यवाद, रात का समय है, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। आखिरी बात मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, आपके सामने कहना चाहता हूं, बघेल जी, सिंहदेव जी, साहू जी, पुनिया जी, बाकी जो लोग हैं, ये हमारी सेना है और आपके दरवाजे इस सेना के लिए हर वक्त खुले मिलने चाहिए। और कांग्रेस पार्टी अपने वर्कर और अपने सपोर्टर की पूरी रक्षा करेगी, कमजोर से कमजोर वर्कर की पूरा रक्षा करेगी, और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, माताओं बहनों के लिए कांग्रेस पार्टी काम करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आभार प्रदर्शन के लिए स्थानीय विधायक, महापौर और नौजवान साथी देवेंद्र यादव जी। कांग्रेस पार्टी दोनों हाथ उठाकर कहेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मेरे साथियों, मैं आप लोगों से कहूंगा अब होगा न्याय, आप कहेंगे मोदी जी बाय बाय, अब होगा न्याय, अब होगा न्याय। मैं सभी उपस्थित मेरे कांग्रेस के कर्मठ साथियों का बहुत बहुत दिल से आभार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।